हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप किसी भी सॉन्ग का लीड या ट्यून इजीली बजा सकते हैं। मैंने पहले भी एक लेसन इसके लिए किया था तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि कई लोग होते हैं जिनको स्केल्स आते हैं लेकिन कई लोग हैं जिनको नहीं आते हैं स्केल्स, और दोनों का क्वेश्चन एक ही है कि कैसे लीड प्ले करते हैं, क्या है ट्यून करने का तरीका, क्या है। तो दोनों के लिए ये आज का लेसन है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि चाहे तो आपको स्केल आता है या स्केल नहीं आता है, सबसे पहले जो आपके माइंड में जो चीज़ आती है गाना प्ले करने से पहले वो सेम ही होती है। जैसे आपने कोई गाना सुना और आप उसे प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आती है उसकी ट्यून। जब आप थोड़ा सा उसको प्ले करके देखेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस स्केल में है। तो जिनको स्केल आता है उनको भी पहले तो नहीं पता, प्ले करने से पहले नहीं पता कि किस स्केल में हो सकता है एग्जैक्ट। जब वो प्ले करेंगे थोड़ा ट्यून को समझेंगे तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि किस स्केल में। और वो जिनको के स्केल भी नहीं आता वो भी उसी तरीके से सोचेंगे कि ये ट्यून है तो ये किस तरह से इसको हम गिटार में अप्लाई करके किस तरह से इसे प्ले कर सकते हैं। तो तरीका दोनों के लिए सेम ही है कि पहले आपने गाना ध्यान से सुना, गाना आपने ध्यान से सुना, उसकी ट्यून को आपने सुना। तो ये मान लीजिए कि ये जो गिटार है ये फिर आपका गला है, आप इससे गुनगुनाएंगे वो सॉन्ग। तो मेरा जो तरीका है जो मुझे ठीक लगता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपने गाना सुना ठीक से गाना सुनिए ताकि वो आपको याद हो, आपके माइंड में उसका ट्यून रिकॉर्ड हो जाए जिसे आप खुद से गुनगुना सकें। ये नहीं कि आपको सॉन्ग प्ले करना हो, उसकी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से उसे गुनगुनाएं और इजीली ये देख सकें कि मेरा ट्यून सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला वही है। तो जब आपको ट्यून याद हो जाएगी तो फिर आपको जस्ट इतना ही सोचना है कि ये आपका गला है और आपको अब गाना इसके ज़रिए, इसके थ्रू गाना है, सिंपल। तो पहला काम है जिनको स्केल आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी, दोनों के लिए चीज़ वही अप्लाई होती है कि उनको पहले वो ट्यून मैच करनी है। कहीं भी आप बिल्कुल भी कुछ भी थ्योरी दिमाग में मत लाइए, बिल्कुल भी कोई टेक्निकल वे में उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी ट्यून गाने की है वो जहाँ भी इसमें मैच कर जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पार्टिकुलर पहले से प्लान करके बैठे हैं या पहले से प्लान कर लें कि यही होनी चाहिए, नहीं, जहां आपको ठीक लगे वहां आप उसको ट्यून को, कोई भी एक नोट कहीं भी आपको मैच कर जाए उसी से फिर अगले रिलेटेड नोट ढूंढने की कोशिश करिए। ये ईयर ट्रेनिंग की वजह से ही हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुने, और अगर आपको स्केल आता है तो फिर ये होता है कि आपने थोड़ा सा एक दो नोट बजा के देखे, उसके बाद आप रिलेट करने लग जाते हो, कोशिश करते हो कि ये इस स्केल में हो सकता है या इसमें हो सकता है, तो उस तरह से आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो जिनको स्केल्स नहीं आते हैं मैं पहले तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो स्केल सीखें, बहुत मुश्किल नहीं है। एक दो पैटर्न आप सीख लेंगे उसमें सारे आपके आ जाएंगे मेजर, और एक दो पैटर्न माइनर का सीख लेंगे तो मेजर माइनर काफ़ी हैं पहले, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूरत कितने की पड़ रही है आपको अभी ये देखिए। आप अगर मेजर माइनर कर लेंगे वो बहुत है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। उसी तरह से मैं कॉर्ड्स के लिए भी बोलता हूँ, तो ज़्यादा बहुत सारी थ्योरी को अपने सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी जितनी ज़रूरत है वो काफ़ी है, ठीक है। तो जिनको स्केल नहीं आता है वो कोशिश करें कि स्केल थोड़ा सीख लें, बट फिर भी अगर नहीं भी आता है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने म्यूज़िक प्रॉपर नहीं सीखा होता लेकिन वो बहुत अच्छा गा रहे होते हैं या प्ले कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको नहीं सीखना चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा स्केल से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको सारा लेसन एक ही जगह पर एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगा, तो आप बिल्कुल ये नहीं समझना कि क्या कहते हैं दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तरीका वही रहता है। इसलिए मैं आपको एक ही जगह बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, ठीक है। तो देखिए, मैं सी मेजर स्केल का आपको पहले बताऊंगा। मेजर स्केल के लिए हमें सी मेजर स्केल में बजा रहा हूँ पहले, ठीक है।
जिनको स्किल नहीं आता है उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि सिंपल स्किल सीखने से कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। देखिए, सी डी ई एफ जी ए बी सी सी बी ए जी एफ ई डी सी। मैं अभी आपको लीड और ट्यून निकालने का तरीका बता रहा हूँ। स्केल अगर आपको सीखने हैं तो मैंने पहले लेसन किए हुए हैं, वहाँ से आप स्केल सीख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप वहाँ से स्केल सीख लें, एक दो पैटर्न सीख लें और जो आपको आ जाए वहीं पे अप्लाई करें उसे, लीड को ट्यून को वहीं अप्लाई करें जो आपको स्केल आता है। सो सी डी ई एफ जी ए बी सी सी बी ए जी एफ ई डी सी, ये मैंने टोटल 8 नोट जो हैं प्ले किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो 8 नोट को याद ना कर पाएँ कि पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा, 6, 7, 8। आप लोग इतना समय देते हैं, इतना ट्यूटोरियल लेसन देखते हैं, सर्च करते हैं, तो ये 10 मिनट में आप कर पाएंगे। आपने सीख लिए 8 नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको याद करने के बाद इतने अच्छे से आप याद कर लें कि आपको देखना ना पड़े बहुत ज़्यादा या आप अटके ना, उससे फिर आप फ्लो में नहीं रहेंगे, गाना आपका ध्यान गाने में होगा और आप इसे इजीली प्ले नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यह है कि पहले अपने इस पार्ट को अच्छा कर लें और फिर कितना इजी होगा आपके लिए वो देखिए। अगर आपको कोई गाना दे दिया जाए और बता दिया जाए कि इन इन में से बजेगा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसके अलावा हमें फालतू दिमाग नहीं लगाना है पूरे फ्रेटबोर्ड में कहीं, तो जहाँ सी मेजर स्केल है वहाँ दिमाग लगाना है, बस इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना लेते हैं सी मेजर स्केल में, आई थिंक वो बातें कुछन कही सी कुछन सुनी सी होने लगी। अब मुझे पता लगता है कि ये सी मेजर स्केल में गाना है, ठीक है। तो मेरे पास नोट हैं ये, तो जब मेरे माइंड में और कुछ नहीं है इसके अलावा, तो ब्लैंक माइंड के साथ मैं क्या करूँगा कि मैं जगह जगह ट्राई करूँगा। ऑब्वियसली आप करिए, 2 मिनट लगेंगे आपको। देखिए, आप देखिए, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बजा के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग थोड़ा सा लगाएं। बातें देखिए, बातें कुछन कुछन कही सी, ऐसा कोई इसमें गणित नहीं है, ऐसा कोई मैथ नहीं है इसमें जो आपको समझना है। सिर्फ ये 8 नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हीं में से ट्राई करूँगा, चाहे लगातार भी हों ये या लगातार ना हो, एक के बाद एक ना आए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि इन 8 में से ट्राई करना है। देखिए, लास्ट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, गाना कहीं से भी शुरू हो सकता है, स्केल के नोट वही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं दूसरा गाना बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये आपने क्लियर कर लिया, एक बड़ा फेमस गाना है जो सब लोग जरूर सीखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, इन्हीं नोट्स में आप अलग अलग जगह से उसको प्ले करने करके देखें कि ट्यून मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ट्यून आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको गाना ना प्ले करना पड़े उसके लिए कि ये ट्यून मैच कर रही है कि नहीं। तो आप अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा गुनगुनाएं, जैसे रा 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 ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये गिटार आपका आप गला है और आपको इससे गाना है गाना। तो आप ये इमेजिन करिए कि आप गाने को अगर गुनगुनाएंगे तो कैसे गुनगुनाएंगे।
और अपने थॉट को यहाँ लाने की कोशिश करिए। यहाँ मैच कर रहा है। अगर मुझे पहले से पता है कि सी मेजर में है गाना, तो मेरे लिए आधे से ज़्यादा काम हो गया। मुझे सिर्फ इन 8 नोट में ही ट्राई करना है, दैट्स ऑल। देखिए, दा रा, सीधे नोट लग रहे हैं। सारे गा एक प्यार का नगमा है। ये कितना अच्छा कौन बजाएगा, ये अलग बात है। जिसकी जितनी मेहनत होगी या जितना टाइम जो देगा, उसका वैसी प्लेइंग दिखेगी। लेकिन बेसिक जो उसका बेस है, उसकी जो पीछे नोट हैं, वो मेन मेन जो पार्ट हैं उसके, वो सेम ही रहेंगे। जो लीड है उसका, ट्यून जो सुनाई देता है, जो ट्यून मेन है, जो मेन ट्यून है उसका, वो नहीं बदलेगा। सारे गा म पा म ग, ये तो मैं आपको वैसे गा के बता रहा हूँ, बट आप देखिए नोट तो वही है। CDE FG FG FE, उन्हीं नोट्स में से बज रहा है जो हमारे नोट थे। CDE FG ABC CBAG FED C, रा 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 किसी भी गाने पे यही चीज़ अप्लाई होगी। ऐसा इसमें कोई और इसके अलावा कोई साइंस नहीं है कि आप गाने को कैसे प्ले कर सकते हैं ट्यून में। वो गाना जो आप गुनगुना सकते हैं, वही तरीका है उसको प्ले करने का। आपको अगर स्केल नहीं आता है तो बेटर है थोड़ा सा स्केल सीख लें, और नहीं भी आता है तो गाने को हम निकालते ऐसे ही ढूंढ के हैं, तो उसके लिए आपको आप अपने गाने को ध्यान से सुनना है, उसकी ट्यून को आप खुद से गुनगुना सकें। अपनी कहीं भी साउंड को उसको मैच करके देखिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्केल आता है, अगर नहीं भी आता है स्केल, तो कैसे ढूंढेंगे इस गाने को। देखिए, अगर हमें स्केल नहीं पता है तो जहाँ हमें कंफर्टेबल लगे, जैसे हमें कंफर्टेबल लगे, हम इसको वैसे बजा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सी मेजर स्केल में ही बजाइए आप। जहाँ आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, आप जहाँ बजा सकते हैं वहाँ आप इसे बजा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिगिनर्स को जो सबसे इजी पार्ट लगता है लीड के लिए, वो लगता है कि उनको एक ही स्ट्रिंग पे पूरा गाना मिल जाए। उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, तो आप ये फर्स्ट स्ट्रिंग से भी ट्राई कर सकते हैं। मेन है ट्यून, वो जो आपने सुनी है उसको आप एक तरह से इससे गा रहे हैं। अगर गाना आपको याद है, आप उसे गुनगुना के मैच करके देखें। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई भी आप गाना बजाएं, आप ये देखें कि कहाँ मैच कर रहा है। कोई थ्योरी नहीं सोचें आप। अगर आपको स्केल मालूम है तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, बट स्केल नहीं भी मालूम है तो इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। स्केल जैसे आता है वो भी गाने की ट्यून को ही फॉलो करेगा, बेशक उसे पता हो कि किस स्केल में है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि सीख लीजिए थोड़ा स्केल, वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको करना यही है, ध्यान से गाने को सुनिए, इस तरह से याद कर लीजिए कि आप उसे थोड़ा गुनगुना सकें, तो फिर आप उसे इजीली ट्यून में प्ले कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा लेसन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।